बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है आप भी अपने घरों में खुशियों से हरियत से आबाद हो, आमीन सुम्मा आमीन। ये है रानी बेटी, इसने आज जाना है स्कूल, तो एडे ड्रामे चेक कर लो। हूँ 6:15 हो गए और ये नहीं उठ रही अभी तक। अब इसको अफान भाई उठाने लगे हैं। अफान भाई ये ले, इसको उठाएं ज़रा, चंपी को, चंपी को उठा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं उठना, नहीं उठना, पानी लेके आओ, चले उठ जा, जल्दी उठ। जी सब उठ गए, अपना अपना कर रहे हैं नाश्ता। यहाँ पे और लंच के लिए नगेट्स रेडी, और चने मैंने रात को ब्लैक वाले बॉईल कर दिए थे, वाइट चावल इसके साथ भी हो गए रसगुल्ले, और आज बनेंगे दोपहर में चने और चावल। मैंने कहा चावल भी भिगो दूँगी फिर थोड़ी देर लेट के, फिर उठ के बनाऊंगी क्योंकि रात को लेट सोए हैं। शिफा पप्पू किधर चली गई थी पापा के साथ, वो थोड़ा लेट आए उधर से, तो अभी भी उठते वक्त जिद कर रही थी बहुत। अब चावल भी धो देती हूँ ताकि बाद में बन जाए। अच्छा जी, रानी बेटी चली गई है भाई के साथ स्कूल। तूफान कह रहा आप चाय पिए, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, मैं पी रही चाय। चावल मैंने भिगो दिए हैं, बर्तन अब सारे धोने वाले हैं, और अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी फिर उठ के चने और चावल बनाऊंगी। और जब ये रात को गई है पापा के साथ पप्पू की तरफ, उस वक्त मैंने सारा रात को ना मेरे चूल्हे के नीचे वाला फॉइल पेपर बहुत गंदा हो गया हुआ था, और रानी बेटी को शायद इससे दुश्मनी है, जब भी ये नया डालती हूँ फाड़ देती है पकड़ के। आज उसको भी पता नहीं चला, सारा मैंने चूल्हा वाला साफ़ करके 1 घंटा लगा के पूरा, तो ये किचन की दीवार वगैरह सारा कुछ मेरा बहुत इधर से गंदा हुआ हुआ था, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। शुक्र है अब थोड़े दिन ज़रा, जब तक फाड़ेगी नहीं इसको फॉइल पेपर को, ज़रा साफ नज़र आएगा। तो उठ के अब खाना बनाऊंगी और साथ में बर्तन वॉश करूंगी। साथ में मेरे ब्लैंकेट आज मैंने फेंके हुए हैं, गंदे हुए हुए थे, मैंने कहा दो दो करके मेरे ब्लैंकेट हो जाएंगे वॉश। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी फिर उठ के करूँगी कुछ जो अभी काम करने, मैंने चाय साथ सब पी लूँ। तो देखे बस बारिश इधर यही साल में एक आध बारी होती है, जो होती हैं तो बड़ा लोग दुआएं मांगते हैं अल्लाह खैर की हो, और इंजॉय भी करते हैं। तो आप देखें आज सूरज भी निकल आना है, अभी कड़कती हुई धूप, अब हो जानी है गर्मी ऐसा ऐसा, अल्लाह पाक खैर करे बस, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी 11:30 हो गए, मैं थोड़ी देर सो गई थी, अब उठी हूँ, चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए, और यहाँ जो है चने रखने लगी हूँ, बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, फिर शिफा को भी लाना है, और जल्दी जल्दी से जो है ना चने पका लूँ ताकि फिर शिफा रानी को लेके आना है। मेरे चावल पक गए, चने पक रहे हैं, और रानी बेटी को लाने का हो गया टाइम, 10 मिनट है, इतनी देर में मेरा ख्याल है ये पक ही जाएंगे, तो फिर मैं रानी बेटी को लेने जाऊँगी। तूफान थोड़ी देर अब सो गए, क्योंकि जब मैं सो रही होती हूँ तो फिर वो उठा होता है पापा के पास। चलिए हम लोग जा रहे हैं शिफा रानी को लेने, मैं और शिफान शाम को उठाते हैं ट्यूशन, और शिफा को ले आऊँगी घर। अच्छा जी हम लोग आ गए हैं शिफा को लेने, रश लगा हुआ है क्योंकि 2 छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल आए थे, तो स्लो स्लो बहुत ज़्यादा बाहर गाड़ियों का भी रश था, अंदर भी पार्किंग में देखें बहुत ज़्यादा रश है अभी तक। तो शिफान जो है वो लेने चला गया शिफा को, तो भी लेके आता है, तो फिर ज़रा जाना है हम लोगों ने, इसकी कॉपी लेनी है शिफान की भी, शिफा की भी, वो लेके एक दो चीज़ें लेने वाली हैं, फिर मैं घर जाऊँगी शिफान को छोड़ के। ये रानी बेटी का काम चल रहा है, ये अपनी बबल लेके आ गई है। नहीं जी रानी बेटी आ गई है घर, और ये खा रही है खाना, फिर ये थोड़ी देर सोएगी, फिर इसको मैं ट्यूशन छोड़ूंगी नहला के आज,
और ये मैं खा रही हूँ, मेरी प्लेट पड़ी है। ये मैंने अपने फ़ोन का कवर उतारा है, पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या मसला हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है दो तीन दिन से। तो खाओ खाओ जल्दी से ख़त्म करो। मैं खा रही हूँ चने और चावल, वो तो बब्बा ने आपको बताई थी। हाँ मैंने बताया चने और चावल, साथ कोकले आई है। ये लगी मेरी रानी बेटी सो रही है, अब इसने जाना है ट्यूशन तो ये उठ नहीं रही, इसको मैं ठा रही हूँ। तो ये मेरे से आगे लाइयाँ खा रही है, इतना पारा बुखरा बाहर है मेरे साथ। ओह 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 ओह
लो जी हमारी बन रही शाम की चाय, मैं शिफा के पापा और अफान, हम तीनों पियेंगे। और आज कितने दिनों के बाद मीना बेकरी से मेरे रास्ते आ गए अफान साहब ले आए। मैं कहा चल पुत्र अज रस ले आएगा तो अंदर बढ़न देंगे, चलो नहीं तो वापस जा। और शिफा को ट्यूशन छोड़ने जग गया है तो फिर मेरे लिए रस ले आया। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, चाय बस तकरीबन हमारी होने लगी रेडी, तो फिर हम चाय पियेंगे। वो दोनों तो अंदर मज़े से बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, सरेआम वालों का, हक खतीब का। तो मैंने कहा फटाफट मैं भी चाय बना लूँ, फिर मैं भी जाके देखती हूँ उनके साथ। ले जी रानी बेटी के सोने का टाइम हो गया, ट्यूशन से आके इसने जो खाना था खा लिया, दूध पी लिया, थक गई थी बहुत क्योंकि स्कूल भी आज गई हुई थी, तो हम सब ने खाना बल्कि खा लिया। तो मेरा फ़ोन आज बार बार कल परसों से बल्कि बंद हो रहा है, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कुछ और व्लॉग में आज क्या बनाऊँगी, क्योंकि मुझे फ़ोन की टेंशन लगी हुई है कि ये बार बार क्यों बंद हो रहा है। अब अफान कह रहा था कि नहीं मुझे आईफोन नहीं पसंद, तो इसके फ्रेंड की शौक है तो वो कहते हैं छोटे छोटे काम, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े काम, सारा दिन बस काम काम और काम। और शिफा रानी को जो है ना सुबह फिर इसने स्कूल नहीं जाना, स्कूल से ऑफ है क्योंकि जो स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, तो इसने कोई जो है ना सुबह एक्सक्यूज मी मैंने ना हिस्सा लिया था, मेरी माँ ने पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे टाइम पे बताया ही नहीं, आपने बेटा मुझे बताया ही नहीं ना, आपने मुझे मुझे नहीं पता था ना, आपने मुझे अब बताया जब ये बारिशों के दिन थे और आप गए हो, तो साथ ही उन्होंने बहुत स्पोर्ट्स भी कर दिया, तो इसलिए सुबह फिर मुझे आया। इस पूरे वीक में संडे को गई है, मंडे ट्यूसडे ऑफ और वेडनेसडे को गई है और थर्सडे फिर ऑफ, और पिछले वीक में वैसे भी अपने